और हमारे यहां से उम्मीदवार जमुनानगर से भाई घनश्याम दास जी, सुढौरा से हमारे उम्मीदवार चौधरी बलवंत सिंह जी, और मंच पर विराजमान पूजनीय स्वामी जी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेश राणा जी, हिमाचल के पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायक चौधरी सुखराम जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजेश सपरा जी, और मंच पर विराजमान पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, और इस पंडाल में उपस्थित आदरणीय मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सबकी ओर से पूजनीय महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराज जी, आपके प्रति जैसा उत्साह, जैसा स्नेह है, उसको देखते हुए मैं आपसे इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि हमारे पास उसके लिए उतना बड़ा स्थान नहीं था। मैं समझता हूं कि जितनी पब्लिक यहां पर है, उसके लिए इससे 4-5 गुना बड़ा स्थान चाहिए था। हमने खुले में LCD लगा रखी है और लोग धूप में खड़े होकर आपको देखने के लिए यहां लड़ाई थे। मैं अपने मन में सोच रहा था कि एक प्राणी घटना के जैसे भगवान विष्णु ने जब बलि ने उसको दान दिया तो 2 पग में ही सारी धरती माप दी, तो पूजनीय स्वामी जी यही काम आज हुआ कि आपने 1 ही पग में सारा काम कर दिया, और जो हमारी जमीन थी वो बेहद कम पड़ गई। हमारी बहनों के लिए शायद ठीक से जगह मिल भी नहीं सकी, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी आई हुई है। पूजनीय स्वामी जी, आपने मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर बड़ी कृपा की। हालांकि आपका समय बहुत व्यस्त था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने जो समय हमें दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि जितनी दूर दूर तक ये जनता फैली हुई है वो सारी की सारी आपको देखना चाहती है और आपकी बात सुनना चाहती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं चाहूंगा कि आप सब हम सब का मार्गदर्शन करें, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितनी जनता यहां पर खड़ी है और जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सबके सब आपके आदेश का पालन कर जो भी आप कहेंगे उसको इंप्लीमेंट करने का पूरा पूरा काम करेंगे। मैं पुनः आपके चरणों में आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।